नई उम्मीदों नई उमंगों के साथ नए साल का आगाज हो चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 1 जनवरी से ही नए साल की शुरुआत क्यों होती है? तो आइए हम आपको बताते हैं इसका रोचक इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। 31 दिसंबर को जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंचती हैं, वैसे ही दुनिया भर में लोग जोर शोर से नए साल का स्वागत जश्न मनाकर करते हैं। पूरी दुनिया में इस दिन पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने के लिए लोग जोर शोर से तैयारी करते हैं और 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाया जाता है। लेकिन आखिर 1 जनवरी को ही क्यों हर साल नया साल मनाया जाता है, इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल 45 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन हुआ करता था। सबसे पहले जो कैलेंडर बनाया गया था उसमें 10 महीने ही हुआ करते थे। तब एक साल में 310 दिन होते थे और 8 दिन का एक सप्ताह माना जाता था। 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 में हुई थी, लेकिन इससे पहले नया साल कभी 25 मार्च को तो कभी 25 दिसंबर को मनाया गया। दरअसल रोम के राजा नूमा पोम्पिलस ने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव कर दिया और इसके बाद जनवरी को साल का पहला महीना माना गया। इससे पहले मार्च को साल का पहला महीना माना जाता था। मार्च का नाम मार्स ग्रह पर रखा गया था। मार्स यानी कि मंगल ग्रह को रोम में लोग युद्ध का देवता मानते हैं और वहीं जनवरी महीने का नाम रोमन देवता जेनस के नाम पर रखा गया, जिनके 2 मुंह थे। उनके आगे वाले मुंह से शुरुआत और पीछे वाले से अंत मानी गई। फिर नूमा ने साल की शुरुआत के लिए जेनस देवता का चुनाव किया। रोमन शासक जूलियस सीजर ने कैलेंडर में बदलाव कर दिए और फिर एक साल में 12 महीने जोड़े गए और 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की गई। दरअसल सीजर को खगोल विदों से मुलाकात के बाद पता चला कि धरती 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी को देखते हुए जूलियन कैलेंडर में साल में 365 दिन कर दिए गए। इसी के चलते 1582 ईस्वी के ग्रेगेरियन कैलेंडर की शुरुआत के बाद 1 जनवरी को नया साल मनाने का चलन शुरू हुआ। ग्रेगेरियन कैलेंडर सूर्य की गणना पर आधारित है। दरअसल सूर्य चक्र या चंद्र चक्र की गणना के आधार पर ही किसी कैलेंडर की रचना होती है। रोमन राजा जूलियस सीजर ने जीसस क्राइस्ट के जन्म से 46 साल पहले नई गणनाओं के आधार पर नया कैलेंडर निर्मित किया था। ज्यादातर देशों में ग्रेगेरियन कैलेंडर का ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ईसाई धर्म के अनुसार 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव वर्ष की शुरुआत मानी गई है। ऐसी ही मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के दिन की थी और इसीलिए हिंदू धर्म में नए साल की शुरुआत इस दिन से मानी गई। लेकिन भारत में अब 1 जनवरी को नए साल का सेलिब्रेशन जोरदार तरीके से किया जाता है। इसके अलावा सिख धर्म की बात करें तो सिख मान्यताओं के अनुसार बैसाखी को नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।